जस तंवर को गोली मार दी गई है और तिवारी जी का अपहरण कर लिया गया। ये सब मुजफ्फरनगर में नहीं चलने देंगे। सर आप यहाँ क्राइम खत्म करने आए हैं या बढ़ाने आए हैं? सबको इकट्ठा करो, आज मुजफ्फरनगर का भौकाल खत्म कर देते हैं। एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज भौकाल 2 उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। उस मुजफ्फरनगर की जिसे कभी उत्तर प्रदेश की अपराध की राजधानी कहा जाने लगा था और जिसका हर गांव किसी अपराधी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस शहर में एक आईपीएस ऑफिसर आया, करीब 15 महीने तक रहा और फिर उसने ऐसा कमाल किया कि पूरा इतिहास ही बदल गया। उस आईपीएस ऑफिसर का नाम है नवनीत सिकेरा, जिसके मुजफ्फरनगर में रहने के दौरान अपराध के खात्मे की सच्ची कहानी है एमएक्स ओरिजिनल सीरीज भौकाल 2। कप्तान साहब, जिस तरह से बच्चों और बड़ों को बेरहमी से मारा गया है, क्या यह जंगल राज आ गया है? सबको इकट्ठा करो। एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज भौकाल 2 का मुख्य किरदार नवीन सिकेरा के इर्द गिर्द घूमता है, जो असल में यूपी पुलिस के एडीजी नवनीत सिकेरा के मुजफ्फरनगर में रहने के दौरान 50 से ज्यादा माफियाओं के एनकाउंटर की कहानी है। साल 2000 के आसपास पूरे मुजफ्फरनगर में दो बड़े गैंग का आतंक चलता था। आम हो या खास, व्यापारी हो या अधिकारी, दोनों गैंग की इतनी दहशत थी कि इनको पैसे दिए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। एक गैंग की कमान शौकीन के हाथ में थी तो दूसरे गैंग को कैल ब्रदर्स चला रहे थे और पूरा मुजफ्फरनगर इन दो माफिया गुटों के बीच पिसने को मजबूर था। ऐसे में 6 दिसंबर 2003 को मुजफ्फरनगर में एक नए एसएसपी की आमद हुई। उसने ठान लिया कि मुजफ्फरनगर को अपराध मुक्त बनाना है। उसने तय किया कि मुजफ्फरनगर के गांव अब किसी माफिया गुंडे के नाम से नहीं बल्कि किसी किसान, किसी पुलिस वाले, किसी आर्मी वाले के नाम से जाने जाएंगे। और फिर शुरू हुआ मुजफ्फरनगर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, जिसे पूरा करने में एसएसपी नवनीत सिकेरा को कई पापड़ बेलने पड़े। I got some time to spend with Mr. Navneet Sikera. You know, हम लोग तो बचपन से ही टॉय गन से खेलते रहते हैं। हम लोग बचपन से ही सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, जब भी कोई पूछता था कि क्या बनेंगे, हम पुलिस वाले बनेंगे। So I was fortunate enough that I got to spend time with him, got to see him in close proximity, his day-to-day life, his attitude towards life, his persona, his demeanor, you know, grounded. What I really, really liked and what I learned from him is, you know, higher you go, more the responsibilities is always on your shoulders, and you can only fulfill those responsibilities by being grounded and by being humble. And that's Mr. Navneet Sikera for you. हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय के कप के साथ बड़े आराम से पुलिस वालों पर विशेष टिप्पणियां करते हैं। पुलिस वालों का कुछ बुरा होता है तो खुश हो लेते हैं कि उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन हम कभी किसी ईमानदार पुलिस वाले के निजी जीवन में झांककर नहीं देखते कि उसके साथ क्या हो रहा है, अपनी नौकरी के दौरान उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कैसे एक साधारण इंसान होते हुए भी पुलिस वाले को हमारे आपके लिए कई असाधारण काम भी करने पड़ते हैं। एमएक्स प्लेयर की सीरीज भौकाल 2 पुलिस वालों के निजी जीवन में भी झांकती है और लोगों को उससे रूबरू भी करवाती है। किसी को भी उस पुलिस वाले की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस लोग या तो मसीहा मानते हैं या फिर विलेन। वो इन दोनों के बीच एक आम इंसान भी हो सकता है, इसकी कल्पना हम नहीं करते, लेकिन वेब सीरीज भौकाल बताती है कि पुलिस वाले से पहले एक आम इंसान भी है जो हमारी आपकी तरह है और जिसका हमारी तरह आपकी तरह एक परिवार भी है। Perception about police officers needs to change on ground. Day in and day out, we are slogging to keep the city safe, to help the civilians on road, to fight crime. Yet, the perception across really needs to be developed through such themes and such films. So yes, I'm very, very thankful to the whole concept and to Mohit as an actor for such a genuine portrayal of what we actually do. भौकाल 2 15-16 साल पहले की वास्तविक कहानी है, जिसे बेहद खूबसूरती के साथ MX Player की वेब सीरीज भौकाल 2 में दिखाया गया है। वेब सीरीज मुजफ्फरनगर में पुलिस के इकबाल को कायम रखने की कहानी तो कहती ही है, साथ में ये भी दिखाती है कि एक पुलिस वाले को कितनी संजीदगी के साथ
अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में तालमेल बिठाना होता है, जिसके हर कदम पर अड़चन ही अड़चन। या एक रुपया उठा और मिला सिकेरा फोन। बहरहाल नवनीत सिकेरा अब एडीजी हैं, अब उनके पास और बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के साथ ही अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं, जो बच्चों को सफलता के गुण सिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वेब सीरीज भोकाल का तीसरा सीजन भी आएगा, जिसमें फिर से नवनीत सिकेरा की सुपर कॉप वाली छवि देखने को मिलेगी। मेरा नाम है चयन रस्तोगी और आप देख रहे हैं अनकट।